नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में जाहिद हुसैन जी के पास में, जिन्होंने कि बहुत ही बढ़िया करके घर के दो कमरों के अंदर अपना फार्म चलाया हुआ है और यहीं पर अपना बटेर का बच्चा भी तैयार करते हैं, पूरी बटेरी भी तैयार करते हैं। उसके साथ साथ में आपको मैं दिखा दूँ कि ये फेरी का भी काम करते हैं, अपने बच्चों को फेरी से भी बेच देते हैं किसी भाई को चाहिए होता है, और घर में रहते हुए काफ़ी बढ़िया काम चला रहे हैं। तो हम आइए मिलवाते हैं आपको जाहिद जी से और इन्हीं से जानते हैं कैसे इनको ये आइडिया आया, कैसे इन्होंने ये काम शुरू किया। तो जाहिद जी, सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। जी आपका धन्यवाद। और बाकी सर थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का एक परिचय दे दीजिए जी, अपना ये कौन सा गाँव आ रहा है, कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो उसको कहाँ आना होगा। ये सर जो है संबल रोड पर 8 किलोमीटर जो है से 20 किलोमीटर संबल से पड़ता है मातीपुर फतेहपुर। अच्छा जी, फतेहपुर अब्बू अपना गांव है। तो जैसे कि आपके दो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, हमारे पीछे दिख रहा है घर का कमरा है जी, ये जी। तो आपने घर के कमरे के साइड में टीन सेट डाल लिया जी, जी। एक तो आपका ये बिल्कुल घर का कमरा है, रहने वाला कमरा जी, इसी में आपने इसको मुर्गी फार्म में तब्दील कर दिया है जी। तो ये काम आप लगभग कितने सालों से कर रहे हो? ये 2 साल से फालतू हो गया। अच्छा, 2 साल से ज्यादा आपको हो चुके हैं। तो आप कौन कौन सी ब्रीड पे काम करते हो जी, क्या क्या पालते हो? डबल एफजी पालते हैं मुर्गी में। अच्छा जी, बटेर पालते हैं और कोकलर भी पालते हैं। कोकरेल भी आप पालते हो? तो ये बच्चा आप अपने यहाँ से भी उड़ जाता है, यहाँ से भी लोग आग लेके चले जाते हैं, से भी बच्चे ले जाते हैं। तो उसके अलावा जैसा कि मेरी मुलाकात, भाइयों आपको बता दूं, ये फेरी का ही काम कर रहे थे तभी मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना किसान भाइयों से आपको मिलवा दिया जाए और किसानों को डायरेक्टली फार्म से भी अपना बच्चा लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं जी जी। तो अब हम बात करें, आप बटेरे का काम कर रहे हो, तो बटेरे का काम काफ़ी छोटा बच्चा होता है जी जी, काफ़ी मतलब इसको पालने में, ब्रूडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। हाँ, ब्रीडिंग ज़्यादा समस्या। तो आप जैसे नए आदमी थे, 2 साल पहले आपने शुरू किया, तो किससे आपने शुरू किया था जी? YouTube पे देखा था। अच्छा, तो YouTube से देख के आपने सीखा? हाँ, सीखा हमने। मतलब आप भी YouTube के ही दीवाने हैं? हाँ, YouTube पे देख के, उसमें बर्तनों में पथरी डाल के। अच्छा। बच्चा डूबे नहीं, बच्चा डूब के ज्यादा मरता है ये। हाँ, तो ब्रूडिंग करने जो सीखी आपने वो YouTube से देख के सीखी। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ जी, आपने ब्रूडिंग के लिए अलग से पूरा गोल घेरा बनाया हुआ है जी, तो ये भी अपना देसी जुगाड़ करके ईंटों का आपने बनाया हुआ है जी। हाँ, तो ये स्पेशल बटेर के लिए आपने बनाया हुआ है जी। तो इसमें ब्रूडिंग करने से क्या फायदे रहते हैं जी, जैसे आपने ये गोल बनाया हुआ है? बच्चा इकट्ठा गुच्छा ना मारता ये। अच्छा जी, घूमता रहेगा और पास। तो आप अगर हम चौकोड़ा रखेंगे तो ये कोने बढ़ जाएंगे बच्चे। अच्छा, एक कोने बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या गोल गोल चारों तरफ ये घूमते रहेंगे? अच्छा, घूमते रुकावट नहीं होगी इनकी, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। तो टोटल मिला के जैसे आपने जी डबल एफ जी का भी काम कर लिया, बटेर का भी आप काम कर रहे हो, कोकरेल भी आपने पाल रखा है, तो इनमें सबसे बढ़िया कौन सा लगा? मुहाजे में तो बटेर काम बढ़िया है। अच्छा जी, गर्मी में, सीजन में जी जी, और गर्मी में डबल एफ जी का बढ़िया काम। अच्छा, मतलब सीजन के हिसाब से अगर काम करे आदमी, दिमाग लगा के अगर आदमी काम करे तो बढ़िया है। आप फरवरी तक तो बटेर बेचे। अच्छा जी, पाले और फरवरी के बाद में इसे सितम्बर तक डबल एफ जी का। डबल एफ जी का तो बड़ी मुर्गी का भी आप काम करते हैं या नहीं करते? बड़ी करेंगे गर्मियों में ही। अच्छा, गर्मी में ही करते हैं। मान लो जी अब सर्दी का सीजन चल रहा है, इस समय कोई अंडे वंडे की डिमांड आती है देसी की, तो अभी ना हमारे पास? अच्छा, अपने पास में नहीं रखते हो आप। तो अगर हम बात करें जी बटेर की, आप तो बटेर पाल रहे हो, आपके पास छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा तक है जी, तो ये बटेर का बच्चा आप ले कहाँ से रहे हैं और कितने रुपये में ले रहे हैं? हम 9 रुपये का बच्चा ला रहे हैं चांदपुर से। चांदपुर से? हाँ, वारिस भाई के यहाँ से। अच्छा, वारिस मलिक जी के यहाँ से। हाँ। दोस्तों, आपको वारिस मलिक भाई की वीडियो हमारे आई बटन में मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया काम है उनका, एचडी का काम है जी। तो आप उनसे बच्चा लेते हैं जी। और फिर इसको मान लीजिए 9 रुपये का आपको पड़ गया जी, 9-10 रुपये का जो भी पड़ता है, इसके टोटल तैयार होने में लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? ऐसा मान लो 10 रुपये का बच्चा आन का घर पर गया, माँ किराया वाड़ा लगा के 10 रुपये का, 16-17 रुपये का इसने फीड खा लिया। अच्छा जी, 16-17 रुपये का इसने फीड ले लिया, खा लिया। हाँ। तो लगभग 25 रुपये में तैयार हो जाता है। 26-27 रुपये में। तो अपना अगर हम मुझे फुटकर के मार्केट की बात करें, फुटकर में अपना बच्चा जैसे आप फेरी से भी बेचते हो, अपने यहाँ से भी जाता होगा, तो लगभग किस रेट में चला जाता होगा? हम 45 रुपये से और 60 रुपये तक बेचते हैं। 45 रुपये से 60 रुपये तक का बच्चा आप बेच लेते हैं। तो अगर 45 का भी मिनिमम हम लेके चले तो 20 रुपये तो बड़े आराम से बच जाते हैं। हाँ, 20 भी ना तो ऐसा मान के चलो जैसे कि हमें बच रहे हैं 13-14 रुपये बच रहे हैं बच्चे। भाई 10 ही मान लें, आधा कर दें हम। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप महीने में भाई कुछ नहीं तो 1000 बच्चे तो बेच ही लेते होंगे। हाँ, 1000 ज़्यादा बिक जाओ। अरे मैं 1000 ही लेके चलूँ, 10 रुपये बच्चा भी हमने मान लिया, 1000 बच्चे बेच ले, घर के एक कमरे से 10,000 रुपये तो बच रहे हैं।
मिनिमम 10,000 हम बटेर बटेर से बचा सकते हैं। जी जी। और बाकी जी आपका कोकर, ये क्रोइलर बच्चा कह लें, कोकरेल कह लें, डबल एफ जी, वो काम रहा आपका अलग? हाँ ये अलग है। तो इसमें जी आप तो जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो लिया, अब एक्सपर्ट आदमी हो गए, किस तरह की कोई बीमारी का भी सामना करना पड़ता है? अब बीमारी रहती है मुर्गी, बटेर में कोई बीमारी नहीं आती। बटेर में कोई बीमारी नहीं आती ना, आज तक तो आई नहीं कोई बीमारी हमारे यहाँ। अच्छा, कोई बीमारी आज तक? हाँ, नहीं। अगर ये 8 दिन पाल लिया आपने बच्चा चूया, हाँ, तो समझ लो ये सही हो गया। अच्छा, 8 दिन अगर आपने ब्रूडिंग पे ध्यान दे लिया अच्छे से, तो बच्चे में किस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी? मेन चीज है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग, तो ब्रूडिंग में जी टेम्परेचर वगैरह कैसा ध्यान रखते हो आप? अगर मीटर लगाओगे तो 32 टेम्परेचर रहना चाहिए, कम से कम 32 होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ, इससे कम ना। और अगर मान लो जी कोई देहाती किसान है, बिल्कुल गांव देहात से है जी, मीटर वीटर की व्यवस्था नहीं है उसके पास, तो उसको कैसे पता चलेगा जी बच्चा टेम्परेचर ठीक है या नहीं? ऐसा मान लो जैसे कि हमने ये बरसाती लगा दी, पन्नी लगा दी चारों तरफ से, अब हम उसके अंदर बढ़ गए, अगर हम उसके अंदर बढ़ते के साथ पसीना आ गया तो समझ लो टेम्परेचर हमारा सही है। सही है। और बच्चे को देख के कैसे पता चलेगा जी बच्चा? बच्चा अगर कुछ हमार रहा समझ लो ठंड मानिया है। अच्छा, और ही खेल लिया कूद रिया है तो मतलब खुद ही आप समझ जाओगे जब बच्चा आपका खेल कूद रहा है बढ़िया। हाँ। ब्रूडिंग जो आपने ब्रूडिंग रूम एक बना रखा है, ब्रूडिंग हॉल हम कह लें, और उसमें बच्चा एक एक बच्चा अलग अलग घूम रहा है। हाँ, हाँ। तो टेम्परेचर ठीक ठाक, बहुत बढ़िया टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जहाँ आपको लगा बच्चा एक जगह गुच्छी मार के बैठ गया तो ठंड, वहीं पे गड़बड़ है, तो उसकी वजह से ब्रूडिंग में समस्या अगर आ गई तो बच्चे में समस्या आती होगी। हाँ, नीचे वाले बच्चे को सांस नहीं आता तो मर जाता है। मान लो जी एक ऊपर नीचे होकर बैठेगा तो मरी जाएगा, सीधी सी बात है। तो जैसे आपका ये कोकरेल बच्चा दिख रहा है तो ये लगभग कितने दिन का हो गया जी? ये हो गया होगा 27 दिन का। 27 दिन का। तो ये अगर हम इसके एक दिन के बच्चे की बात करें जी, लगभग किस रेट, कोई लेना चाहे तो ये क्या रेट मिल जाएगा उसे? ये तो मैंने कुंदरकी से मंगाया था, 2 रुपये 20 पैसे का। अच्छा जी, आपने मान लो जी कोई आपसे संपर्क करता है तो लगभग किसी को 100, 200, 500 बच्चे चाहिए तो लगभग कितने? तो अब उसका किराया बढ़ जाएगा, ये किराया तो भी 1-2 रुपये आप भी बीच में, सीधी सी बात है अपनी मेहनत का आप भी लोगे। हाँ, मांगे तो 1-2 रुपया तो चाहिए, ना वो लाना चाहे तो पता दे देंगे, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अपना बच्चा जैसे 27 दिन का हो गया, लगभग 250-300 ग्राम का दिख रहा है, 300 ग्राम से ऊपर ही होगा, तो लगभग ये किस रेट में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा लगभग 35-40 रुपये का। 35-40 रुपये का ये मिल जाएगा किसी को भी। तो कोई किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहे, ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा लेना चाहे, तो डबल एफ जी का बच्चा भी उसको अपने यहाँ से मिल जाएगा? हाँ, अभी 2-1 महीने के बाद मिलना शुरू होगा, मतलब जनवरी के आसपास। हाँ, फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं मान लो जैसा होली का सीजन आएगा, होली के सीजन में कोई भी अपने यहाँ आपसे बच्चा लेके तैयार कर सकता है? तैयार कर सकता। तो कोई मान लो अपने आसपास का है जी, अमरोहा का है, जोया का है, संभल का है, इस एरिया का आ रहा है अपने इन 2-3 जिलों का, तो क्या उसको आप घर पे पहुंचा दोगे बच्चा अगर कोई 100-500 बच्चे ले? हाँ, 20 किलोमीटर तो पहुंचा देंगे। अच्छा, 20 किलोमीटर तक आप घर पे भी पहुंचा दोगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। अगर किसी किसान भाई को बच्चा लेना है तो इससे बढ़िया क्या मिलेगा जी, घर तक बच्चा पहुंच रहा है? पहुंचा। तो इनमें कोई वैक्सीन का कोई इसमें दिक्कत? हाँ, वैक्सीन तो देनी पड़ती है। अच्छा, वैक्सीन देते हो आप भी? नहीं, लगातार देते हैं। और बाकी जी दवाइयाँ वगैरह का रख रखाव के लिए क्या देते हो? वैक्सीन लग जाओ फिर दवाई की ज्यादा जरूरत ना पड़ती है, देखभाल रखोगे। मान लो जैसे जी लीवर टोनिक या कुछ उमराल वगैरह देते हैं? भी देते हैं, लीवर टोनिक भी देते हैं, ग्रोथ अच्छी करने के लिए। हाँ। और जो नया किसान भाई है जी, कोई फार्म शुरू करना चाहे, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे जी, किस हिसाब से शुरू करना चाहिए और कितने बच्चों से शुरू करना चाहिए? देखो, वैसे तो अगर 100 बच्चों सब कर ले तो सही है, क्योंकि इसकी मार्केट जो बेचने के ऊपर है भाई, सब पाल तो लेता है आदमी, पाल तो आदमी लेगा, बेचने की समस्या ज़्यादा कर रही है इसकी। तो बेचने की मेन चीज़ है कि आप अगर बेच पा रहे हो। हाँ, तो इसमें फ़ायदा है। तो फ़ायदा है। हाँ, तो मजदूरी है। तो जैसा अब हम फार्म की आपकी बात करें जी, आपने ये घर को ही फार्म में तब्दील कर दिया जी, तो इसका आइडिया कैसे आया? खाली पड़े कमरे लाओ भाई, मतलब साइड में 15-20 हज़ार रुपये आते रहे तो क्या नुकसान है? चलिए जी, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हुसैन जी, जानकारी देने के लिए। और नए किसान भाई जो देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ में आया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी शुक्रिया। और भाइयों, ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं, नए नए किसान भाइयों से मिलवाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि भाइयों, हमारी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाया करेगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।